तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आ गए हम एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ आपको लेके मोरभंज। तो मोरभंज आए दोस्तों आज दिखाने आपको यहाँ का जो पर्यटक स्थल इतना प्रसिद्ध हो चुका है 2 साल के अंदर में, और आज हम लेके आए हैं आपको वहीं पे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, शुरू से आखिरी तक इसको वॉच कीजिए और देखिए कितना अच्छा लोकेशन और कितना अच्छा व्यू आता है। तो चलिए दोस्तों आगे लेके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोरभंज, और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो ब्यूटीफुल प्लेस और जो तालाब है, तालाब बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, इसको नहर नहीं बोल सकते, क्या है, बहता पानी है, रुका हुआ पानी। और यहाँ का दृश्य दोस्तों अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पीछे इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है, यहाँ पे बहुत से लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं और भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा लोकेशन आगे से पूरा पीछे तक एक वॉकराउंड। तो दोस्तों सामने सूरज डूबता हुआ और जस्ट उसके पीछे आप देख सकते हैं ये वो मोरभंज जिसको बोलते हैं यहाँ के लोग। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नदी है, और वहाँ दोस्तों उस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग पिकनिक मना रहे, कार खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, और जस्ट इसके सामने पहाड़। और ऊपर का मौसम तो इतना अच्छा हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं आसपास का नज़ारा दोस्तों, ये नीचे जाने का रास्ता और सामने इतना ब्यूटीफुल लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये पत्थर है, इसमें अच्छा ग्रिप बन रहा है पैर का, आप नीचे उतर सकते हैं। और दोस्तों पानी तक पहुँचने वाले हैं हम। तो दोस्तों जो भी बोले, यहाँ का जो अभी तक का जो बेस्ट प्लेस मेरे को लगा यही लगा। आप देख सकते हैं इतना अच्छा नदी है, यहाँ पानी सूखा भी नहीं है, और ये बरसात में ऊपर तक भर जाता होगा, देख सकते हैं दोस्तों। और ये नदी दोस्तों पानी इतना साफ, आपको देख सकते हैं पानी को कि कितना क्लियर है। और ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नशीली पदार्थों का बोतल सीसी यहाँ पे फेंका गया है। तो दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं मेरे, इतना अच्छा नदी है, मेरे को तो नहाने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहा क्या हूँ तो आज नहीं नहाऊँगा। तो देख सकते हैं अगल बगल का लोकेशन आप, कितना अच्छा यहाँ का व्यू आ रहा है, और पीछे जस्ट इसका पहाड़ लगा हुआ है, तो इससे यहाँ का खूबसूरती और बढ़ जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, और भी दिखाते हैं हम आपको बहुत से अच्छे अच्छे दृश्य और घूमने का जगह, कहाँ पे यहाँ पे आप आके पिकनिक मना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। प्लेन समतल मैदान भी यहाँ पे जो नदी के बगल में ही है। तो चलिए दोस्तों आगे और मिलते हैं आपसे। दोस्तों आप ये पत्थर के ऊपर बैठ के भी यहाँ का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं, देखिए कितना मस्त पत्थर बिछा हुआ है, और जस्ट इसके ऊपर मौसम देख सकते हैं दोस्तों, प्लेन क्रॉस हुआ है उसका, और ये धूप मस्त खिला हुआ है आज। तो दोस्तों जो भी बोले मस्त लोकेशन है, आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों यहाँ का खूबसूरती आप देख सकते हैं, पानी का जो लहर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग आ चुके हैं पिकनिक मना रहे, आप देख सकते हैं आसपास का लोकेशन, इन लोग ड्रिप मार रहे हैं बाइक से। दोस्तों देख सकते हैं बाइक से ड्रिप मार रहे हैं इन लोग, तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर एक बार विजिट करें यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से दोस्तों पिकनिक मना रहे हैं, ड्रिप बर्नआउट मार रहे हैं, और इतना अच्छा लोकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं ये नदी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पानी। बता देता हूँ यहाँ पे आने के लिए आपको, तो इसमें आपको आना पड़ेगा अंबिकापुर से MG रोड में सीधा, लगभग शिवम मोटर क्रॉस करने के बाद लगभग वही 3 से 4 किलोमीटर, उसमें से आपको फिर एक लेफ्ट तरफ रास्ता दिख जाएगा जिसमें मोरभंज का लोकेशन लिखा हुआ, वहाँ से 2 किलोमीटर लगभग दोस्तों आना पड़ेगा, और ये खूबसूरत नज़ारा उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे किसी से भी लोकल आदमी से पूछेंगे तो बता देंगे। तो दोस्तों अपने फैमिली दोस्तों यार के साथ कभी भी आइए यहाँ पे, एनी टाइम कुछ भी हो दोस्तों, तो आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए दोस्तों, पिकनिक मनाइए, घूमिए फिरिए, हॉलीडे पे आइए। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करिएगा, और मिलते हैं कल एक नए लोकेशन के साथ और ऐसे ही कुछ अच्छे पर्यटक स्थल जो सरगुजा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है दोस्तों। तो फिर टाटा, बाय बाय, गुड बाय, चलिए मिलते हैं कल, जय श्री राम।